रफाल डील को लेकर मोदी सरकार को भले ही सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में जो गलत ब्यौरा दाखिल किया था उस पर ऐसा घमासान छिड़ा कि अब तक सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष सीएजी की रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार द्वारा गलत जानकारी देने पर हल्ला बोल रहा है। इन हमलों के बीच अब खबर है कि सरकार बजट सत्र में कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख अपना बचाव कर सकती है। रफाल डील को लेकर संसद से लेकर सड़क तक सरकार और विपक्ष का आमना सामना भी हो चुका है। बावजूद इसके रफाल पर छिड़ी रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है तो वहीं बैकफुट पर आई बीजेपी बचाव के मुद्रा में है। लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा मोदी सरकार के माथे पर आई परेशानी की लकीरों को और बढ़ा सकता है, इसलिए अब सरकार इससे बचने के लिए सीएजी की रिपोर्ट का सहारा ले सकती है। खबर है कि बजट सत्र में केंद्र सरकार रफाल से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद के पटल पर रख सकती है। सरकार पहले ही रक्षा सौदे से जुड़े प्रश्नों का जवाब दे चुकी है। इससे पहले सूचना के अधिकार कानून के तहत रफाल विमान सौदे को लेकर सीएजी की रिपोर्ट का ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन सीएजी ने तब यह जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा था कि अभी इस मामले में ऑडिट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और संसद के समक्ष इस रिपोर्ट के रखे जाने से पहले इसकी जानकारी देना विशेषाधिकार का हनन होगा। वहीं अब सीएजी ने ये रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और सरकार बजट सत्र में इस रिपोर्ट को पेश कर सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले इस रिपोर्ट पर काफी हंगामा मचा था, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में सीएजी की रिपोर्ट को लेकर गलत जानकारी दी थी। सरकार ने कहा था कि सीएजी की रिपोर्ट को संसद के लोक लेखा समिति यानी पीएसी ने जांच लिया है, जबकि हकीकत तो ये थी कि रिपोर्ट पीएसी के पास गई ही नहीं थी। इस समिति के अध्यक्ष विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसलिए उन्होंने सरकार के इस झूठ की पोल खोली थी। वहीं काफी बवाल के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा हलफनामा दाखिल किया था, लेकिन अब सरकार जल्द ही सीएजी की रिपोर्ट पेश करने वाली है, जिस पर एक बार फिर राजनीति में रफाल को लेकर उफान आना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।